पश्चिम बंगाल के बशीरहाट में हिंसक झड़प, बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का आरोप, टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की हत्या की। बशीरहाट के संदेश खाली में कल रात हुई बड़ी हिंसा, पत्थरबाजी, बम और गोलियों का भी इस्तेमाल हुआ। सूत्रों के मुताबिक हिंसा में मारे गए 3 लोगों में से एक तृणमूल कांग्रेस का कार्यकर्ता, झड़प में 5 लोग घायल हुए। पश्चिम बंगाल बीजेपी का ट्वीट, हमारे 4 कार्यकर्ता गायब हैं, ममता सरकार को विदा कर बर्बरता से मुक्त होगा बंगाल। पश्चिम बंगाल में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के 17 पार्षद बीजेपी में शामिल हुए, बंगाल बीजेपी के प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने पार्टी की सदस्यता दिलवाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मालदीव की संसद से पाकिस्तान को घेरा, कहा आतंकवाद पूरी मानवता के लिए खतरा है। पाकिस्तान का नाम लिए बगैर पीएम मोदी ने कहा अब भी अच्छा और बुरा आतंकी का भेद करने की दुर्भाग्यपूर्ण गलती जारी। मालदीव में प्रधानमंत्री मोदी ने चीन पर भी निशाना साधा, कहा हमारी मित्रता किसी पर कर्ज लादने के लिए नहीं। मालदीव के जरिए चीन को पीएम मोदी का संदेश, कहा हम मित्र हैं और मित्रता में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मालदीव की मजलिस में बुलाने और सबसे बड़े सम्मान के लिए पीएम ने आभार व्यक्त किया, कहा धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं। आज श्रीलंका पहुंचेंगे पीएम मोदी, ईस्टर पर आतंकी हमले के बाद श्रीलंका जाने वाले किसी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं मोदी। आज श्रीलंका के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से पीएम मोदी मिलेंगे, मुलाकात होगी, भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज ही स्वदेश लौटेंगे प्रधानमंत्री मोदी, तिरुपति में भगवान वेंकटेश बालाजी के दर्शन करेंगे। केरल के गुरुवायूर मंदिर में पीएम मोदी को पुजारियों ने कमल के फूलों से तौला, कलश भी दिया, 5000 साल पुराना मंदिर है। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक बार फिर से चेतावनी दी, कहा आतंकियों पर सख्त कार्रवाई के बगैर भारत पाक शांति वार्ता मुमकिन नहीं। भारत ने इमरान खान की चिट्ठी का जवाब दिया, आतंकवाद पर लगाम लगाए बगैर पाकिस्तान से बातचीत संभव नहीं। राहुल गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री पर नफरत की राजनीति का आरोप लगाया, वायनाड के कल्पेट्टा में रोड शो किया। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर आरोप, देश में झूठ फैलाकर चुनाव जीता लेकिन कांग्रेस सच्चाई से इसका जवाब देगी। राहुल गांधी के आरोपों पर बोले केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, राहुल काम में जीरो, सिर्फ सब्ज बाग दिखाते। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार, प्रशांत कनौजिया पर आपत्तिजनक कमेंट का आरोप लगा। वायुसेना के लापता AN-32 विमान का अब तक नहीं लगा सुराग, एयरफोर्स ने जानकारी देने वाले को 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया। मुंबई के बिगरोली में बेकाबू टैंकर ने कई लोगों को कुचला, फुटपाथ पर सो रही 2 महिलाओं की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में 2.5 साल की बच्ची की हत्या के केस में पुलिस को मिली कामयाबी, केस से जुड़े हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आईसीसी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का आज दूसरा मुकाबला कैनिंगटन ओवल में भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 3 बजे ऑस्ट्रेलिया से होना है मुकाबला। बलिदान बैच वाले ग्लव्स के साथ धोनी को खेलने की मंजूरी नहीं, नियम तोड़ने पर फटकार भी लग सकती है।